टमक उठा है घर आंगन जब से आप पधारे हैं, ऐसा एहसास होता है कि जन्मों से आप हमारे हैं। वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल दोस्तों, आज हमारे सिम का रिचार्ज खत्म हो चुका है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरा सस्ते में कहीं पोर्ट हो जाए तो मैं अपने सिम का पोर्ट करवा लूँ ताकि मेरा सिम का रिचार्ज हो सके और मैं अपना प्रॉपर वीडियो बना सकूँ। दोस्तों अब एग्जाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है दोस्तों, अब टेंशन नहीं, अब लगातार वीडियो आएगा इस ब्लॉग चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों भारती भारत ब्लॉग चैनल जो कि चैनल का नाम है दोस्तों, तो चैनल के माध्यम से मैं भारत के अभी मध्य प्रदेश का एक जो राजधानी है भोपाल, मैं भोपाल का ब्लॉग लाऊंगा अभी मध्य प्रदेश का दोस्तों, और बने रहिएगा ब्लॉग चैनल पर। पहले आज चलते हैं सिम नया खरीद लेते हैं या तो उसी को पोर्ट करवा लेते हैं, तो चलिए चलते हैं फटाफट, लेट्स गो। हाँ तो गाइस आज संडे भी है, चलते हैं सिम पोर्ट करवाने। और अभी तक मैं जहाँ तक ढूंढा दोस्तों अभी तक मिला नहीं मुझे सिम पोर्ट करने वाला, तो चलिए चलते हैं पहले ढूंढ लेते हैं, अभी इधर भी नहीं दिख रहा है आसपास में। और दोस्तों अगर पहले तो चलते हैं सिम पोर्ट करवाने के लिए, और आज संडे है दोस्तों, आज फ्री हूँ, आज कोचिंग भी नहीं है मेरा, और मैं भोपाल के इंद्रपुरी सिटी में हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों सिटी का लोकेशन, देखिए दोस्तों जाते जाते एक मार्केट दिखा जो कि ओनली सब्जी सब्जी। Myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. हाँ तो दोस्तों हमारे जिला सिंगरौली में जो सिम पोर्ट करते हैं वो जस्ट रोड के बगल में अपना दुकान लगा के सिम पोर्ट करते हैं दोस्तों, और मैं अभी भोपाल में हूँ। भोपाल में लगभग अपने रूम से 3-4 किलोमीटर दूर पे आ चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक सिम पोर्ट करने वाले अभी मिले नहीं हैं। मिलेंगे तो करवा लूँगा, नहीं तो हमें उदास होके जाना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अभी चलते हैं, अभी ढूँढ लेते हैं कुछ समय तक, अभी रात होने में अभी टाइम है इसलिए मैं अभी थोड़ा ढूँढ लेता हूँ। हाँ तो साथ ही चलते चलते मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इंद्रपुरी में, और भैया हैं और अभी एक कार को अपने पार्किंग में लगाए हुए हैं, और यहाँ बाइक सेल होती है भैया, तो यहाँ पे दोस्तों कार यहाँ पे लगा हुआ है जो कि सेल होता है, सेकेंड हैंड कार है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेकेंड हैंड कार है यहाँ पे, सेकेंड हैंड कार बाइक सब सेल होता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं लाइन से लगा हुआ है। और मैं अभी मुझे चलना है सीधे सिम पोर्ट करवाने, तो अभी मैं चलता हूँ, ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम सेकेंड हैंड बाइक लगा हुआ है दोस्तों जो कि सेल होगा, देख सकते हैं। यह देखिए यामाहा का बाइक है दोस्तों जो कि राइडर बाइक है, तो देखिए भैया का यही शॉप है जो कि यहाँ पे बाइक और कार दोनों सेल होता है दोस्तों। पिपलानी का एक पिपलानी पेट्रोल पंप का ये लोकेशन है दोस्तों, अगर आप किसी को अगर सेकेंड हैंड बाइक या कार चाहिए तो यहाँ पे आ सकते हैं दोस्तों, देख लीजिए एकदम न्यू बाइक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू बाइक है, बट ये सेल के लिए एकदम उपलब्ध है दोस्तों। देखिए मतलब ये देखिए मर्सिडीज है दोस्तों जो कि भैया जी बता रहे हैं 3.5 लाख है भाई, ये भैया हैं जो कि आए हैं बम्बई, गए थे बम्बई से जो मसाला लगा सऊदी अरब से यहाँ आना, इसलिए इनका पैसा लेके भगता है। हाँ तो दोस्तों अभी तक मुझे सिम पोर्ट करने वाले नहीं मिले हैं जी, जिसके वजह से अब मैं यहाँ से घर जाऊँगा, और घर से जाते जाते अगर कोई मिल जाता है तो करवा लूँगा पोर्ट यार, नहीं तो फिर मुझे रिचार्ज ही करवाना पड़ेगा। और मैं मेरा जो प्लान था वो प्लान फेल हो चुका है अभी फिलहाल दोस्तों, और कुछ ही समय मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, अगर
शायद शाम की वजह से कोई शाम को लगाते हैं, अगर शाम को लगाएंगे तो अगर कुछ ही समय बाद शाम हो जाएगा और इसके बाद दोस्तों मैं देख लूँगा अगर लगा। हाँ तो दोस्तों अभी तक मुझे जो सिम पोर्ट करते हैं वो नहीं मिले हैं, अब चलते हैं वापस, शायद अब वापस जाते समय अगर मिल जाए तो करवा लूँगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों यही भोपाल है, भोपाल जो कि हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों। और देखिए इधर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगियाँ हैं और जस्ट रोड के बगल कितना बड़ा नाला टाइप का है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और चलिए चलते हैं दोस्तों, अगर मिल जाएंगे रास्ते में तो करवा लेते हैं, नहीं तो फिर हमें जाना पड़ेगा चर्च रिचार्ज के लिए, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों चलते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे एक कवर का दुकान मिला है और यहाँ पे मुझे जिस मोबाइल से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ दोस्तों उसके लिए एक कवर नहीं लगा है, तो यहाँ पे पूछ लेते हैं अगर मिल जाएगा तो सही है। भैया ओप्पो के 5G का कवर है, मिल जाएगा दोस्तों, तो चलिए अब लगवा लेते हैं। और जिस मोबाइल से भाई शूट करते हैं उसको भी सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरी उम्मीदें पे पूरा पानी फिर जाएगा, इसलिए चलिए लगवा लेते हैं। हाँ तो दोस्तों वो मुझे कवर पसंद नहीं आया जिसकी वजह से मैं नहीं लिया, और अब चले गए सीधे दोस्तों अपने रूम पे। हाँ तो साथियों बहुत समय इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे एक मेरे भैया मिल चुके हैं जो सिम पोर्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अभी सिम पोर्ट कर रहे हैं एक, और मैं भी करवा लेते हैं दोस्त। देखिए भैया सिम पोर्ट कर रहे हैं और कुछ ही समय बाद मैं भी पोर्ट करवाऊँगा अपना सिम। अब शायद दोस्तों सिम खरीदने से अच्छा होगा पोर्ट करवा लूँ ताकि मेरा सस्ता निपट जाएगा दोस्तों। तो भैया सिम पोर्ट हो रहा है तो कितने में हो जाएगा? मेरा BSNL का सिम है और उसको जियो में करवाना है। रिचार्ज नहीं है? रिचार्ज तो नहीं है भैया, 60 रुपये लगेगा उसमें, रिचार्ज करके करूँगा, 1 महीने का रिचार्ज रहेगा, 1.5 GB पड़े, नाइट में डाटा भी चलेगा। हाँ तो दोस्तों मेरा सिम जो था BSNL का उसको मैं पोर्ट करवा रहा हूँ जियो में, और भैया बोल रहे हैं कि 60 रुपये में हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों सस्ता भी निपट जाता है, और अगर मैं रिचार्ज करवाता तो 239 रुपये लग जाते, तो चलिए करवा लेते हैं भैया से। फाइनली दोस्तों हम रूम पे आ चुके हैं, सिम पोर्ट हो चुका है, और मैं ब्लॉग को यहीं पे बंद करता हूं दोस्त, क्योंकि बाहर बारिश होने की वजह से आगे मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाया। तो मिलते हैं सीधे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।